जय जिनेंद्र, आज हम बना रहे हैं हेल्दी एंड टेस्टी चॉकलेट। वो कैसे, आइए स्टार्ट करते हैं। हमने एक बाउल में पानी गर्म कर लिया, उसमें हमने 1 बाउल आलमंड डाल दिए। आलमंड उबलने के बाद इसका ऊपर से देखेंगे हम छिलका उतर रहा है, तो हम इसे ठंडे पानी में डाल देंगे ताकि इसका छिलका कवरिंग ऊपर से ईजीली निकल जाए। इस तरह से हम सारे आलमंड्स के छिलके निकाल लेंगे। अब एक पेपर नैपकिन लेंगे, अब टावल या टिश्यू पेपर किसी का भी यूज़ करके आलमंड को हम थोड़ा सा हल्का सा पोंछ लेंगे। हमें इसका पानी सुखाना है, तो हमने इसे 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लिया लो फ्लेम पर ताकि इसका पानी निकल जाए। ठंडा होने पर हम इसे एक बाउल में शिफ्ट करेंगे। इसमें हम 1/2 बाउल कोकोनट पाउडर, 2 टेबल स्पून कोको पाउडर डालकर पीस लेंगे। अब हम इसमें 1 बाउल डेट्स यानी पिंड खजूर डालकर पीस लेंगे। इसमें हम 1/2 बाउल कंडेंस्ड मिल्क डालेंगे और पीस लेंगे। अभी देखिए हमारा मिश्रण कितने अच्छे ढंग से रेडी हो गया है। मैंने यहाँ पर मॉल्ट का यूज़ करा है, आप चाहें तो हाथ से भी बना सकते हैं। बच्चों को अलग अलग शेप्स में चॉकलेट पसंद आती है, इसलिए मैंने यहाँ पर मोल्ड का यूज़ करा है। आपके पास नहीं है मोल्ड तो आप अपने हाथ से कोई भी शेप बनाकर बना सकते हैं। इस तरह से मैंने हाथ से ये शेप बनाया है, आप भी बनाइए। अब हमने एक चॉकलेट ली है, डार्क चॉकलेट, इसे हम मेल्ट करेंगे। ये डार्क चॉकलेट धीरे धीरे मेल्ट हो रही है। डेट्स और आलमंड बहुत हेल्दी होते हैं हमारी बॉडी के लिए, और बच्चे इन चीज़ों को खाना पसंद नहीं करते, इसलिए मैंने इस तरह से चॉकलेट बनाई है। बच्चों को पसंद भी बहुत आएगी और हेल्दी चीज़ भी उनके अंदर जाएगी और वो अनहेल्दी चॉकलेट्स खाना भूल जाएंगे। इस तरह से आप एक बार चॉकलेट बनाइए और अपने बच्चों को भी खिलाइए और आप खुद भी एंजॉय करिए इस चॉकलेट के साथ। अब हमने इसे चॉकलेट में डिप करके बटर पेपर पे निकाल दिया। ऊपर से हमने कलरफुल स्प्रिंकल्स डाल दी। बच्चों को कलरफुल चीज़ें अच्छी लगती है, अट्रैक्ट होते हैं बच्चे देखकर, तो आप भी बनाइए।